वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वन्य प्राणियों की रक्षा और जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह का आज बेतला में समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान पूरे सप्ताह भर चले जागरूकता को लेकर कार्यक्रम और खेल कूद पेंटिंग समेत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बेतला के एनआरसी भवन में उपनिदेशक कुमार आशीष और परिणीता के द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया। उपनिदेशक कुमार आशीष के द्वारा वन प्राणियों की रक्षा, वन के संरक्षण को लेकर जागरूकता करते हुए आम लोगों की भागीदारी की अहमियत को भी बताया गया और पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लोगों से भी वनों और वन प्राणियों की रक्षा करने की अपील की गई। वन्य प्राणी जो सप्ताह है ये हम लोग प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक हम लोग मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग ग्रामीणों के बीच में वन और वन्य जीवों के प्रति जो एक भावना है उनके बीच एक इसके बारे में एक जागरूकता हम लोग फैला सकें। इस उद्देश्य से हम लोग प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसके आसपास कई गांव हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो ये पाया कि कुल 191 गांव है यहाँ पे जो पलामू टाइगर रिजर्व के बीच में और आसपास अवस्थित हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब तक हम लोगों को ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा नहीं मतलब दे पाएंगे। इसी आवश्यकता को देखते हुए हम लोग प्रतिवर्ष जो है वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन ये करते हैं। इस सप्ताह में हम लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम लोगों ने युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए उनके बीच फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। इसके अलावा बच्चों में वन्य जीवों के प्रति भावना का विकास हो इसलिए वन्य जीवों से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, तरह तरह के क्विज का आयोजन किया है और बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आज हम लोग इसका समापन समारोह कर रहे हैं और जो भी बच्चों ने इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन सभी को पुरस्कृत कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर पुनीत वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग स्टार डी न्यूज। कीप वाचिंग। हाय, दिस इज कबीर सदानंद, यू आर वाचिंग स्टार डी न्यूज। कीप वाचिंग। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।